कि अगर एक पॉइंट चार्ज होता है, फॉर पॉइंट चार्ज आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चेंज हो रहा होता है, पॉइंट चार्ज क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिल गया था गॉसियन सरफेस की वजह से 1/4 पाई नॉट क्यू बाई, एकदम इसको सेंटर पे रखते हैं, आप एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करते हो ऑफ अ रेडियस आर अराउंड दिस चार्ज, उसके बेसिस पे आप फ्लक्स जब निकाल रहे होते हो आपको हर जगह पर यूनिफॉर्म होता है और एरिया वेक्टर के पैरेलल होता है, तो यहाँ पे ये डीएस जब आप करते हो इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकाल के, तो आपको ये 4 पाई r² मिलता है एंड दिस फ्लक्स इज इक्वल्स टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस इज क्यू, तो आपको यहाँ से ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल जाती है। और यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड विथ रेस्पेक्ट टू आर जब हम प्लॉट करते हैं, तो हम लोगों को मानो कि हमने चार्ज को इसके ओरिजिन पे रखा हुआ है, तो पॉजिटिव साइड आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा एंड नेगेटिव साइड आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा, दिस इज प्रोपोर्शनल टू r² एंड यहाँ पे भी प्रोपोर्शनल टू r² होता है। और अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज अगर रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस वेरी करता है इन द फोर्थ क्वाड्रेंट एंड इन द सेकेंड क्वाड्रेंट नेगेटिव चार्ज की वजह से। सिमिलरली अगर एक लाइन चार्ज है तो इनफिनाइट लाइन चार्ज है और इनफिनाइट वायर की अगर बात होती है, तो हमने ये देखा कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r होता है, और अगर ये लाइन चार्ज है तो इसकी वजह से हमने एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस इमेजिन किया था एट अ डिस्टेंस ऑफ r, एट अ डिस्टेंस ऑफ r फ्रॉम दी लाइन चार्ज, तो अगर इसकी लेंथ l है तो ये चार्ज एनक्लोज करता है लैम्डा l डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, दिस मस्ट बी इक्वल टू फ्लक्स एंड फ्लक्स हमने ये देखा था इज इंटीग्रल ऑफ ds एंड इस सिलेंडर का एरिया वेक्टर इज 2 पाई r l, तो इसकी वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ये मिल रहा था। अब इस पे इसका हम लोग प्लॉट करेंगे कर्व, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पर ऐसे रेडियली बाहर निकलता हुआ दिखेगा एंड यहाँ पे ये वेरी कर रहा है विथ रेस्पेक्ट टू आर, यहाँ पे ये वेरी कर रहा है विथ रेस्पेक्ट टू आर। अगर यही फील्ड नेगेटिव लामडा के, और अगर लामडा कहाँ रखा हुआ है, लामडा इज प्लेस्ड अलोंग मानो कि जेड एक्सिस पे ये, तो अगर ये नेगेटिव, अगर नेगेटिव लामडा की वजह से अगर जो इन्फाइनाइट वायर पे चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज है, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव साइड पे होगा, ठीक है, यहाँ पे भी ये 1/r और ये 1/r के प्रोपोर्शनली चेंज होगा, ठीक है, इस तरीके से चेंज होता है 1/r के रेस्पेक्ट में चेंज होगा, ये दिस इज फॉर नेगेटिव नेगेटिव लैम्डा एंड दिस इज फॉर पॉजिटिव लैम्डा। और फिर हमने ये देखा कि इनफाइनाइट शीट की वजह से इंटरेस्टिंगली हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो σ/2 ε₀ मिलता है, जो कि यूनिफॉर्म फील्ड का एग्जांपल है, यूनिफॉर्म फील्ड का एग्जांपल है, ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है उस इनफाइनाइट शीट से। तो हमने यहाँ पे इनफाइनाइट शीट पे एक सिलेंडर ऐसे पार होता हुआ इमेजिन कर लिया था गॉसियन सरफेस, जो कि जितना इसका फ्लैट सरफेस का एरिया होगा उतना ही चार्ज ये इंक्लोज कर रहा है, तो ये चार्ज इंक्लोज कर रहा होता है सिग्मा टाइम्स ऑफ ए, क्योंकि ए उस गॉसियन सरफेस के फ्लैट सरफेस का एरिया है, और इस ये इतना फ्लक्स हो जा रहा था एंड दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ ई डी ए, तो एरिया यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है और पैरेलल टू दी फ्लैट सरफेस, ऑफ कोर्स कर्व्ड सरफेस पे अगर हम एरिया लेंगे तो ये 90 डिग्री हो जाता है, तो यहाँ पे कर्व्ड सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जा रहा है वो डिटरमाइन करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो 90 डिग्रीज पे होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप बाहर ले लेते हो इंटीग्रल टोटली, आपको यहाँ पे दो सर्फेसेस मिलते हैं, एक तो ये बाहर वाला और एक सामने वाला, तो इसकी वजह से आप यहाँ पे दो एरिया के फ्लक्स इंक्लूड करते हो, तो यहाँ पे आपको एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड σ/2 ε₀ मिल जाता है एंड ये इससे एकदम बाहर जा रहा होता है ऐसा।
एकदम बाहर जा रहा था। फिर इसके वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस कैसे वेरी कर रहा है मेजर करेंगे तो आपको एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। और अगर नेगेटिव चार्ज है, अगर प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है माइनस सिग्मा का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको हर डायरेक्शन पे इसके तरफ आता हुआ दिखेगा, ये नेगेटिव चार्ज की वजह से। तो जो पॉजिटिव है वहां पे नेगेटिव साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, एंड थर्ड क्वाड्रेंट पे ये ई वर्सेस आर का कर्व है। सिमिलरली हमने हॉलो स्फीयर के लिए देखा था। हॉलो स्फीयर हम लोग एक शेल की तरह भी कंसिडर कर सकते हैं, और इसको हम कंडक्टिंग स्फीयर भी बोल सकते हैं, क्योंकि कंडक्टिंग स्फीयर में आज हम कंडक्टर्स की प्रॉपर्टी भी देखेंगे एक्सेप्ट पोटेंशियल, बाकी सारा प्रॉपर्टी देखेंगे कंडक्टिंग स्फीयर का। तो इसमें ये होता है कि ये कोई चार्ज इंक्लोज नहीं कर रहा होता है, जो भी चार्ज होता है दैट रिसाइड्स ऑन इट्स सरफेस, ये हॉलो स्फीयर है। इसके अंदर अगर कंडक्टिंग स्फीयर है तो ये पूरे वॉल्यूम पे मास डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, बट क्योंकि ये कंडक्टर है तो अगर इनसाइड कोई भी चार्ज होता है तो वो म्यूचुअल रिपल्शन की वजह से सरफेस पे जाके रिसाइड करता है। इसी के वजह से इसके चाहे वो कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर क्यों ना हो, तो कंडक्टिंग अगर स्फीयर है तो इसके चार्जेस सरफेस पे रिसाइड करेंगे, अंदर कोई चार्ज रिसाइड नहीं करेगा। तो अगर आप यहाँ पे अंदर एट अ डिस्टेंस ऑफ आर गॉशियन सरफेस अगर बनाएंगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड आर लेस देन कैपिटल आर आपको जीरो मिलेगा, और अगर फिर आप गॉशियन सरफेस बाहर बनाएंगे एट अ डिस्टेंस ऑफ आर अगेन, तब आपको जाके इलेक्ट्रिक फील्ड ये पता चलता है कि इट इज नथिंग बट जस्ट जितना चार्ज उसके सरफेस पे है, जितना चार्ज उसके सरफेस पे उसके सेंटर पे रखने पे आपको बाहर वाले गॉसियन सरफेस पे जितना इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो वैल्यू भी उतना ही होता है। दिस इज फॉर आर लेस देन और इक्वल टू आर। तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम प्लॉट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू आर वेरी करने के लिए डिस्टेंस, तो आपको अंटिल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिलता है। जैसे ही आर इक्वल्स टू कैपिटल आर हो जाता है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई आर स्क्वायर मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर लेता है, फिर वो 1/r² के टर्म्स में डिक्रीज होते रहता है। सिमिलरली ऑन द नेगेटिव साइड माइनस के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये नहीं शो कर रहा है कि आपका चार्ज नेगेटिव है, ये माइनस साइन ये शो कर रहा है कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नेगेटिव है। और अगर माइनस क्यू चार्ज है तो फिर सिंपल आपका कर्व जो है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला तो ऐसे ही रहेगा, जो कर्व है वो माइनस शिफ्ट हो जाएगा। दिस इज फॉर माइनस क्यू चार्ज। सिमिलरली हमने सॉलिड स्फीयर करवा दिया था आप लोगों का या नहीं? सॉलिड स्फीयर हो गया था ना, बताओ। यस सर, हो गया। हाँ, तो सॉलिड स्फीयर को हम लोग डायलेक्ट्रिक स्फीयर भी कह सकते हैं और यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर भी कह सकते हैं, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर भी कह सकते हैं। तो इस केस में ये होता है कि चार्ज इसके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्जेस के वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, एकदम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो फिर से इसके अंदर हम लोग गॉसियन सरफेस बनाते हैं एट अ डिस्टेंस ऑफ आर, तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू द एरिया वेक्टर ऑफ दिस गॉसियन सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म ओवर ऑल द गॉसियन सरफेस। सो आप इंटीग्रल के बाहर निकाल के एरिया वेक्टर को सरफेस इंटीग्रेट करते हो तो आपको एरिया मिलता है 4π r², और इसके अंदर जो चार्ज इंक्लूडेड है, अगर इस पे रो अमाउंट ऑफ चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड तो रो टाइम्स ऑफ जितना वॉल्यूम है वहां पे 4π, गॉसियन सरफेस का जो वॉल्यूम है 4/3π r³ डिवाइडेड बाय इतना चार्ज इंक्लोज कर रहा होगा वो गॉसियन सरफेस इनसाइड दी सॉलिड स्फीयर, तो ये आपको ρr/3εo मिलता है। ये दिस इज फॉर r लेस देन कैपिटल आर। फिर आप गॉसियन सरफेस बाहर लेते हो, फिर गॉसियन सरफेस एट अ डिस्टेंस ऑफ बाहर लेके आप कहते हो कि यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस एरिया की यूनिफॉर्म है और पैरेलल है, तो फिर आप फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर लेकर यहाँ पे जब 4π r² गॉसियन सरफेस का एरिया ले लेते हैं, तो यहाँ पे अगर मानो कि इस पे कैपिटल क्यू अमाउंट ऑफ टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, कैपिटल क्यू आप ये कह सकते हो इट इज रो टाइम्स ऑफ 4/3π R³, तो 10 बाई एप्सिलॉन नॉट, तो आपको यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा प्रतीत होता है कि वो सेंटर पे एक पॉइंट चार्ज रख दिया हो, सेंटर पे पॉइंट चार्ज रख दिया, उसकी वजह से एट दैट डिस्टेंस जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वही सेम वैल्यू आपको सॉलिड स्फीयर की वजह से भी मिलती है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस अगर हम प्लॉट करते हैं
तो अंटिल आर इज रीच्ड आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लीनियरली इंक्रीज कर रहा होता है। कहाँ तक इंक्रीज करता है? ये वैल्यू के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर तक इंक्रीज कर रहा होता है। इंक्रीज करने के बाद वो 1/r² के रिस्पेक्ट में डिक्रीज होने लगता है। सिमिलरली वो नेगेटिव साइड इंक्रीज करता है। अगेन यहाँ पे -KQ/r² है, यहाँ पे ये माइनस साइन ये इंडिकेट नहीं कर रहा है कि ये नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि अब डायरेक्शन उल्टा हो रहा है पहले जो डायरेक्शन था। ये r = -r पे है, यहाँ पे भी ये 1/r² के टर्म्स में डिक्रीज हो गया है। इतना तो हम लोगों ने पिछले क्लास में कर लिया था, ठीक है? तो ये ग्राफ्स याद रखो, काफी डायरेक्टली सवाल आ जाते हैं इन पे, तो इस पे हम और चर्चा करेंगे बाद में जब पोटेंशियल वाली बातें हो जाएंगी। तो अब आते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ के। तो हमने ये क्वेश्चन आप लोगों को करवाया था कि क्यूब है, क्यूब के कहाँ कहाँ, क्यूब के सेंटर पे रखा था, फिर इसके कॉर्नर पे रखा था। ये क्यूब है ऑफ साइड ए, एंड क्यू चार्ज हमने कहाँ कहाँ रखा था? सेंटर पे रखा था, कॉर्नर पे रखा था, फेस पे रखा था, एज पे रखा था, और फिर आपको फ्लक्स बताना था। फ्लक्स थ्रू दी क्यूब एंड फ्लक्स थ्रू ईच फेस ऑफ दी क्यूब, ये सब बताना था। तो इसमें एक करेक्शन है, मैंने ये नोटिस करा है थोड़ा इधर उधर देखने के बाद। अच्छा, मुझे पहले पहले ये आंसर बता दो, अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, मानो कि एक प्लेट दिया हुआ है, ठीक है, एक स्क्वायर प्लेट है ये, और उस कहा गया है कि उसके सेंटर से डी, ये मतलब एकदम सेंटर से कुछ डिस्टेंस d/2 दूरी पे, एक a/2 दूरी पे, a/2 दूरी पे एक चार्ज रखा हुआ है, तो इस फेस में से कितना फ्लक्स जाएगा, क्या कहोगे? क्वेश्चन समझे? क्वेश्चन मैं कह रहा हूं ये एक स्क्वायर प्लेट है, ये स्क्वायर प्लेट के ऊपर एकदम वर्टिकली ऊपर सेंटर से एकदम सर आवाज नहीं आ रहा है। हेलो सर, हेलो हेलो, हेलो हेलो, हेलो हेलो हेलो, वेट करो, मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ वापस से। आवाज आ रहा है? हेलो, यस सर, आ ठीक रहा है है रहा ठीक है। है ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दो, स्क्रीन दिख रहा हाँ हेलो। सर, यस सर, हाँ, देख रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है कि स्पेस में से, जो कि इसके एकदम सेंटर से a/2 डिस्टेंस पे है, उससे फ्लक्स कितना जाएगा, मैं पूछ रहा हूँ, बता सकते हो? Q/6 एप्सिलॉन नॉट, हाँ, q/6 एप्सिलॉन नॉट, क्यों क्यों?
जल्दी बता दो। यहाँ पे गॉसियन सरफेस हम लोग एक क्यूब एज्यूम करेंगे, ठीक है, जैसे कि ऐसे ना क्यूब एज्यूम करोगे, यस सर, ऐसे क्यूब एज्यूम करोगे, हाँ, तो सेम आर्गुमेंट ना, जैसे इसके सेंटर सेंटर पे दे रहे हो, मतलब इसके सेंटर पे चार्ज आ जाएगा, तो हर एक फेस में से इसके पूरे क्यूब में से जो फ्लक्स जाता है, फ्लक्स थ्रू द क्यूब, यहाँ पे क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट था, तो फ्लक्स थ्रू द फेस, ईच फेस क्या हो जा रहा था, क्यू बाई सिक्स एप्सिलॉन नॉट। तो सेम चीज यहाँ पे ये सवाल पूछा हुआ है ना, सेम चीज है, ठीक है, ठीक है ना। तो अब देखो कॉर्नर पे क्या हो जा रहा था, कॉर्नर पे विल बी शेयर्ड बाई, कॉर्नर विल बी शेयर्ड बाई, ऐसा हमने 3D में देखा था कि हर एक कॉर्नर जो भी होगा वो पीछे भी एक ऐसा होगा, फिर नीचे इसके स्फीयर होगा, सॉरी, तो इस तरीके से आठ आपको क्यूब्स मिलेंगे, आठ ऐसे क्यूब मिलेंगे। तो एक कॉर्नर जो है वो आठ ऐसे क्यूब की वजह से सिमेट्रिकली दूर होगा, हर एक फेस में से, जो भी बड़ा फेस होगा हर एक फेस में से सिमेट्रिकली दूर होगा, मैंने ये बता दिया था ना पिछले क्लास में। तो इसके वजह से आपको फाइव थ्रू ईच क्यूब कितना मिल रहा था, यहाँ पे क्यू बाई एट एप्सिलॉन नॉट, एंड सिमिलरली यहाँ पे फाइव थ्रू ईच फेस कितना मिल रहा था बताओ, क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट, कितना मिल रहा, 24 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और अगर यहाँ पे फेस पे रख दिया गया, अगर इसके फेस पे रख दिया गया, फेस के सेंटर पे रखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे और एक फेस बनाओगे, क्योंकि एक फेस ऑफ अ क्यूब इज शेयर्ड बाय टू सच क्यूब्स, ठीक है। तो ये दो क्यूब्स एक फेस को शेयर करेंगे, तो आपको सेम फ्लक्स अगर यहाँ से निकल रहा होगा, यही सेम फ्लक्स इन दोनों क्यूब में से बराबर जा रहा होगा, ठीक है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये सिमेट्री की वजह से हो रहा है, ऐसा क्योंकि ऐसा सिमेट्री की वजह से हो रहा है। तो फाइव थ्रू ईच क्यूब मैं बोल दूंगा कि इट इज क्यू बाई, फाइव थ्रू ईच क्यूब वुड बी हाफ ऑफ फाइव थ्रू बोथ क्यूब्स, है ना, हाफ ऑफ फाइव थ्रू बोथ क्यूब्स, क्योंकि जो भी फ्लक्स होगा वो दोनों क्यूब्स में से निकलेगा, तो इस वजह से ये क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट हो जाता है, एंड ये पूरा का पूरा सरफेस को एकदम सिमेट्रिकली एनक्लोज करके रखेगा ये चार्ज जो फेस सेंटर पे, तो इसकी वजह से यहाँ पे क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट था। सिमिलरली अगर एज पे है, अगर यहाँ पे एज पे है, तो ये एज ऐसे चार क्यूब्स के साथ शेयर होगा, चार क्यूब्स के साथ शेयर होगा, यहाँ पे एक क्यूब होगा, इमेजिन कर पा रहे हो, ऐसा चार क्यूब होगा यहाँ पे, ठीक है, ऐसा चार क्यूब के साथ शेयर होगा एक एज। तो यहाँ पे आपको फ्लक्स थ्रू ईच क्यूब आपको मिल जाएगा, फ्लक्स थ्रू ईच क्यूब आपको क्यू बाई फोर एप्सिलॉन नॉट मिल जाएगा, ठीक है, फ्लक्स थ्रू ईच क्यूब आपको फोर एप्सिलॉन नॉट मिल जाएगा। नाउ यहाँ पे एक चीज आपको इंटरेस्टिंग समझनी है, अगर ये सेंटर वाले पे वापस आओ, यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब यहाँ पे सेंटर पे रखा हुआ है, हर एक फेस से आपको कितना मिल रहा है फ्लक्स, क्यू बाई सिक्स एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू बाई सिक्स एप्सिलॉन नॉट आपको फ्लक्स मिल रहा है। और अगर इसके कॉर्नर में है तो आपको, तो आपको हर एक फ्लक्स थ्रू दिस टोटल क्यूब इज क्यू बाई एट एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे बात ये समझनी है कि यहाँ पे इसके छह फेस हैं, राइट, मैं ब्लू से एक टाइप ऑफ फेस को शेड कर रहा हूँ, एंड मैं पिंक से एक टाइप ऑफ फेस को शेड कर रहा हूँ। आप समझ पा रहे हो, मैंने ब्लू से जो फेसेस को शेड किया हुआ है, ऑफ कोर्स एक क्यूब के पास छह फेसेस हैं, तो मैंने पिंक से जो फेसेस को शेड करा हुआ है,
और जो ब्लू से जिन फेसेस को शेड करा हुआ है, इन दोनों फेसेस में डिफरेंस क्या स्पॉट कर सकते हो? हेलो सर, वो दूसरे क्यूब से कवर हो जाएंगे। नहीं नहीं हाँ वो दूसरे क्यूब से कवर हो जाएंगे, बट यहाँ पे स्पेसिफिकली इस केस में अगर मैं बात करूं तो जो ब्लू वाले फेसेस हैं, ब्लू शेडेड फेसेस हैं, वो चार्ज उन फेसेस पे चार्ज लाई कर रहा है, बट जो पिंक वाले फेसेस हैं उन फेसेस पे चार्ज लाई नहीं कर रहा है। उन फेसेस के पिंक वाले फेसेस के प्लेन में चार्ज लाई नहीं कर रहा है, बट जो ब्लू वाले शेडेड फेसेस हैं उन फेसेस पे चार्ज लाई कर रहा है। तो जो आपने q by 24 epsilon not निकाला हुआ है ना, वो आपने यहाँ पे इन सरफेसेस में से, पिंक सरफेसेस में से q by 24 epsilon not is the flux through, this is the flux through faces not having the charge. एंड जो चार्ज जो ब्लू शेडेड फेसेस हैं उनसे फ्लक्स जीरो है। क्लियर है बात? ये एक चीज गौर करने वाली बात है, इन पे भी क्वेश्चन बन सकता है। आपको पूछा जाएगा कि आपको नंबरिंग कर दिया जाएगा, ये फेसेस हैं, इनमें से इन पर्टिकुलर फेसेस में से कितना फ्लक्स जा रहा है ये बताओ करके, ठीक है? अच्छा मुझे ये बताओ, अगर ये एक सिलेंडर है, सिलेंडर के एक फेस पे मैंने क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो मुझे ये बताओ फ्लक्स थ्रू दिस सिलेंडर कितना हो जाएगा? क्यू बाय टू एप्सिलॉन नॉट। क्यों सर? ऊपर एक और सिलेंडर आएगा जो ये चार्ज कवर होगा। ठीक है, ऊपर एकदम सिमेट्रिकली आप सिलेंडर बना दो, क्या कहोगे आप? यू ड्रॉ, यू चूज दिस, चूज अनदर सिलेंडर अबव द ओरिजिनल सिलेंडर such that charge is symmetrically ये symmetrical बहुत important पर charge is symmetrically placed between the cylinders. ये symmetrically काफी important point है। क्यों? क्योंकि देखो अगर मैंने यहाँ पे सेंटर पे ये चार्ज रखा हुआ है, मानो कि अब मैं ये सेंटर से इसे डिस्प्लेस कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं दूर लेके चला गया, ऊपर ऊपर लेके चला गया, बॉटम वाले फेस से मैं अभी इस चार्ज को ऊपर लेके चला गया, तब क्या अभी भी मेरे फ्लक्स थ्रू ईच ऑफ द फेसेस मेरे को क्यू बाई सिक्स एप्सिलॉन नॉट मिलेगा? बताओ। अगर मिलना तो चाहिए मेरे को फ्लक्स थ्रू एंटायर क्यूब, नहीं, फ्लक्स थ्रू एंटायर क्यूब, फ्लक्स थ्रू दिस एंटायर क्यूब इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, नो डाउट। अब मैं इसके चार्ज की लोकेशन को चेंज कर दूं ऊपर नीचे कुछ भी, तो मेरे को फ्लक्स थ्रू दिस एंटायर क्यूब इज क्यू बाय सिक्स एप्सिलॉन, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, बट फ्लक्स थ्रू ईच ऑफ द फेस वुड चेंज। व्हाई इट विल चेंज? देखो अभी ये वाला क्वेश्चन आपको करवाया था क्या, अगर क्यू यहाँ पे है और ये एक ऐसे सरफेस से डी डिस्टेंस दूरी पर है और ये एक सरफेस है जो कि आर रेडियस, मतलब एक डिस्क इमेजिन करो और यहाँ पे उसे डी डिस्टेंस पे, एक्चुअली डी डिस्टेंस पे क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो मैं फ्लक्स थ्रू दिस डिस्क पूछ रहा हूँ कितना होगा। क्वेश्चन किया हुआ ये? यस सर किया है। कितना आता है इसका, कितना आता है फ्लक्स, बताओ बताओ?
कितना आता है? अब अगर ये थीटा लेते हो तो फिर q by 2 epsilon naught 1 minus cos theta हो जाता है। तो इमेजिन करो कि अब मैं इस डिस्क को दूर लेते जा रहा हूँ इससे। मैं अगर मानो कि अब डिस्क, तो मैं भी चार्ज को दूर लेकर जा रहा हूँ अलोंग द एक्सिस। मैं अगर चार्ज को यहाँ पे लेकर आ गया, नाउ दिस पोजीशन, तब मेरा जो अब एंगल सबटेंड होगा थ्रू दिस डिस्क इज गोइंग टू चेंज। फिर और थोड़ा दूर लेके जा रहा हूँ यहाँ पे, तो अब मेरा एंगल जो होगा वो और छोटा होगा। तो धीरे धीरे अगर मैं चार्ज को दूर लेते जा रहा हूँ इस सरफेस से, तो मेरा क्या हो रहा है, वो एंगल सबटेंडेड बाय एट द डिस्क इज गोइंग टू डिक्रीज एज आई मूव अवे फ्रॉम द डिस्क, एज आई मूव माय चार्ज अवे फ्रॉम द डिस्क। तो इसके वजह से जो इस फेस में से इलेक्ट्रिक फील्ड गुजर रही है ना, और उसके नतीजे उसका जो फ्लक्स उस फील्ड में से, उस फेस में से गुजर रही है, वो घटते जाएगी। ठीक है, वो घटते जाएगी क्योंकि थीटा थीटा घट रहा है, कॉस थीटा इंक्रीज हो रहा है, तो 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू घट रही है, तो फ्लक्स की वैल्यू घट रही है इसका मतलब। सिमिलरली जब यहाँ पे आप सेंटर से दूर जाओगे, जब आप यहाँ से सेंटर से दूर जाओगे, तो आपको जो बाकी सारे फेसेस में से ये आगे वाला फेस और जो ये पीछे वाला फेस है और जो ये लेफ्ट वाला फेस है और ये राइट वाला फेस है, इन सब में से सेम फ्लक्स जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। q/6 epsilon naught जाएगा। लेकिन जिस फेस के पास अभी ये गया है, यहाँ से अब ज्यादा फ्लक्स निकलने लगेगा, और जो फेस यहाँ से दूर है, जिससे दूर गया है, वहां से अब थोड़ा कम फ्लक्स निकलने लगेगा। ये चीज होगा। अब ये क्योंकि अब सिमेट्रिकली प्लेस्ड नहीं है इसके अंदर, तो फ्लक्स थ्रू ईच ऑफ द फेस इज नॉट गोइंग टू बी सेम। क्लियर है ये बात? तो इसीलिए कोई डाउट है इसमें? फिर डिस्क वाले केस में फ्लक्स कभी जीरो हो सकता है? डिस्क वाले केस में फ्लक्स जीरो अगर करना है, तो आप इससे एकदम बहुत ही मतलब इनफाइनाइटली दूर चले जाओ, तो आपको डिस्क ऐसा एक पॉइंट की तरह लगेगा। ठीक है, डिस्क एकदम पॉइंट की तरह लगेगा। ऑफ कोर्स तब भी उसमें से कुछ फ्लक्स जा रहा होगा, लेकिन वो जो सॉलिड, ये जो एंगल यहाँ पे आप क्या कहते हो इसको, बेसिकली एक सॉलिड एंगल कहते हैं। ये जो सॉलिड एंगल सबटेंड कर रहा है, अगर ये जीरो हो जाता है, दैट मींस फ्लक्स जीरो हो जा रहा है। ठीक है, दैट मींस फ्लक्स जीरो हो जा रहा है। तो अगर आप इस चार्ज को इनफाइनाइटली दूर लेके चले जाओ उस डिस्क में से, तो आपकी जो आर की वैल्यू है, जो d की वैल्यू है, वो इनफाइनाइट हो जाएगी। और क्योंकि d की वैल्यू यहाँ इनफाइनाइट हो जा रही है, तो ये वैल्यू जस्टिफाइड नहीं होगी फिर, मतलब cos थीटा इनफैक्ट 1 हो जाएगा। ये cos थीटा की वैल्यू, थीटा 0 हो जाएगा, cos थीटा 1 हो जाएगा, तो आपको फ्लक्स 0 मिल सकता है। ठीक है, मतलब ये अप्रोक्सीमेटली चीज है, बट ऑफकोर्स तब भी आप ये समझो, चाहे जितना भी छोटा एरिया हो, तो उसमें से माइन्यूट अमाउंट ऑफ फ्लक्स तो जा ही रहा होगा, वेरी माइन्यूट अमाउंट ऑफ फ्लक्स। तो क्योंकि वैसे माइन्यूट क्वांटिटीज को आप नेगलेक्ट कर सकते हो आप फिजिकल कैलकुलेशंस में, इस वजह से आप कह सकते हो कि वो जीरो हो रहा है। ठीक है, आपको अगर फ्लक्स जीरो करना है तो क्या करना होगा, कुछ नहीं, इसको जीरो से इक्वेट कर देना होगा, और फिर आप डिटरमाइन कर लो कि जब कॉस थीटा 1 है तब आपका फ्लक्स जीरो है, एंड कॉस थीटा 1 कब होता है, जब थीटा 0 होता है। ठीक है, और कोई सवाल, और कोई सवाल है? नहीं सर। अब ये बताओ मेरे को, एक हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर के सेंटर पे मैंने चार्ज रखा हुआ है, अब बताओ फ्लक्स थ्रू दिस हेमिस्फीयर, फ्लक्स थ्रू दिस हेमिस्फीयर q/2 epsilon naught। क्यों अगेन हम लोग यहाँ पे एक दूसरा इमेजिन कर लेंगे हेमिस्फीयर, और उसके वजह से दोनों में आधा आधा जाएगा, यहाँ पे आधा जाएगा, और उसके वजह से फ्लक्स भी टोटल का आधा हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं कुछ
सर पूछो पूछो सर, इस पे बेस्ड एक ग्रुप पे सर क्वेश्चन डाले सर, वो एक बार डिस्कस कर दीजिए ना यहाँ पे। अभी डाले हो? हाँ सर। तो अभी मेरा नेट बहुत, इसमें एक्चुअली नेट बहुत स्लो चल रहा है, इसी वजह से हम लोग अलग जगह से कनेक्ट किए हुए हैं। डाउनलोड होने दो, डाउनलोड होने के बाद डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? तब तक हम लोग, तब तक आप मुझे ये क्वेश्चन का आंसर दो। अच्छा ये बताना, ये वाला क्वेश्चन किया हुआ है क्या? मैंने ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। मैंने एक्स एक्सिस के अबाउट लैम्डा 1 चार्ज दिया हुआ है, एक्स एक्सिस के अबाउट लैम्डा 2 चार्ज दिया हुआ है। मैं ये कह रहा हूँ जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू बोथ ऑफ दीज चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बोथ ऑफ दीज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज अलोंग द लाइन y is equals to x by root 3. तो मुझे फाइंड लैम्डा 1 by लैम्डा 2 करो इसको। मैं डाउनलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्वेश्चन समझे? आपको x एक्सिस पे लैम्डा 2 का लीनियर चार्ज डेंसिटी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है और लैम्डा 1 आपका y एक्सिस पे लीनियर चार्ज डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूटेड है। आपको कह रहे हैं कि इन दोनों की वजह से आपको इलेक्ट्रिक, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो y is equals to x by root 3 लाइन के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इस लाइन के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाई कर रहा है, तब आपको लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 डाउनलोड करना है, ये फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन नंबर 42 कह रहे हो क्या सुधांशु? तो पॉइंट चार्ज ऑफ प्लस 6 माइक्रो कूलम्स इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 40 सेंटीमीटर, मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। हाँ सर यही वाला है। तो अभी तो बताना इसका आंसर, अभी जस्ट बताया मैंने थोड़ी देर पहले। नहीं, आपको टोटल चार्ज क्या पता है? इसको q/6 एप्सिलॉन नॉट कर दो, आपको 6 कैंसिल हो जाएगा और 10⁻⁶ / एप्सिलॉन नॉट आंसर। तो कौन सा आंसर है? फोर्थ ऑप्शन आंसर है, कुछ नहीं करना। इसका आंसर फर्स्ट दिया हुआ है, गलत दिया हुआ, हो ही नहीं सकता। आपको फ्लक्स बताना है, फर्स्ट आप खुद ही देख के बोल दो ना, न्यूमरेटर में एप्सिलॉन हो ही नहीं सकता। आंसर डी है उसका। किसी भी पॉइंट पे यहाँ पे आ जाओ, देखो किसी भी पॉइंट पे आप फाइंड आउट करो उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा। कोई भी पॉइंट x, y, तो x मतलब वो लैम्डा 1 चार्ज से x दूरी पर है, y कोऑर्डिनेट मतलब लैम्डा 2 चार्ज से परपेंडिकुलरली वो y दूरी पर है पॉइंट, एंड उस पॉइंट पे कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको y equals to x by root 3 के फॉर्म पे है। तो अगर आपको परपेंडिकुलरली एक लीनियर चार्ज से परपेंडिकुलर डिस्टेंस d पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाता है, तो आप कहते हो ना ऐसे लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट d है एंड अवे फ्रॉम इटसेल्फ। तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन पे e1 मिलेगा एंड इस डायरेक्शन पे e2 मिलेगा, एंड e1 की वैल्यू वुड बी लैम्डा 1 बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट x एंड e2 की वैल्यू वुड बी लैम्डा 2 बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट y। So, अब अगर
y equals to x by root 3 है, that means इस लाइन का स्लोप क्या है? So इस लाइन का स्लोप क्या है? 1 by root 3. इस लाइन का स्लोप 1 by root 3 है. तो सेम एंगल अल्फा जो है वो यहाँ पे भी अल्फा होगा. तो tan of अल्फा is also equals to e2 by e1. So e2 by e1 जब आप करोगे तब आपको लैम्डा 2 by लैम्डा 1 y और x मिलेगा. एंड सो लैम्डा 1 by लैम्डा 2 will turn out to be under root 3 x by y और x by y. x by y यहां से आप बता सकते हो x by y is root 3. तो ये 3 by 1 हो गया. आंसर इज 3 by 1. सिंपल, वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन. समझ में आया? आगे बढ़े. यस सर. गॉस लॉ का और एक एप्लीकेशन है. टू फाइंड आउट चार्ज इनक्लोज इन अ रीजन हैविंग नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. तो अभी तक हमने गॉस लॉ में ये देखा कि अगर आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पता है, अगर आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पता है तब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी वजह से एट एनी डिस्टेंस निकालना देखा है. ये एक एप्लीकेशन है गॉस लॉ का. अभी तक तो यही करा हुआ है कि आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पता था, वो लीनियर था, पॉइंट था, शीट पे था, डिस्क पे था, या फिर स्फीयर पे हो जाए, कहीं पे भी हो जाए, तो उसकी वजह से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखा है. बट अब हम देखने वाले हैं कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी, तब आप वहां पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बताओगे, मतलब आप रिवर्स सीखने वाले. तो देखो मैं पहला क्वेश्चन करके बता रहा हूँ, बाकी क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा तो आप लोग ट्राई कर लेना. इलेक्ट्रिक फील्ड कहा हुआ है कि सम कॉन्स्टेंट एक्स स्क्वायर आई कैप की तरह है, और मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप की तरह, मतलब ये एक्स डायरेक्शन पे है, मुझे फ्लक्स चार्ज एंक्लोज पता करना है इन अ रीजन, चार्ज एंक्लोज पता करना है इन अ रीजन इन अ रीजन ऑफ दिस क्यूब. This has side A. इसका जो ये x axis है, इसका ये x जो है वो x axis से I think ले लेते हैं 2a. तो of course ये वाला side 3a पे होगा, ठीक है. तो मुझे y ये z है. तो मुझे अब पता करना है इस क्यूब में से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, ठीक है. कैसे करेंगे देखो. तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्स एक्सिस के अबाउट है बिकॉज आई कैप दिया हुआ है, और एक्स एक्सिस पे वो एक्स के साथ चेंज हो रहा है, मतलब ओरिजिन पे एट एक्स इक्वल्स टू जीरो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, एट एक्स इक्वल्स टू टू ए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट फोर ए स्क्वायर है, एट एक्स इक्वल्स टू थ्री ए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट 9A स्क्वायर है. तो आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस फेस पे मिल रहा है और इस फेस पे मिल रहा है, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है. एंड ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इज अलोंग एक्स एक्सिस. तो बाकी जो एरिया वेक्टर्स है मेरे पास, अपर फेस का एरिया वेक्टर ये है, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है 90 डिग्री, तो यहाँ का फ्लक्स जीरो. फ्रंट फेस का बॉटम के लिए, डाउनवर्ड के लिए, फ्रंट फेस के लिए, बैकवर्ड फेस के लिए, सिमिलरली सारे जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर जो है वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर है. इस वजह से बाकी चारों फेसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड नेट फ्लक्स जीरो हो जाएगा. क्यों? क्योंकि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड अलोंग
एक्स एक्सिस, और जो उनका एरिया वेक्टर होगा वो उसके परपेंडिकुलर होगा, इसी वजह से वो सारे फ्लक्स जीरो है। तो आपको फ्लक्स अभी निकालना है बेसिकली, मुद्दा ये पिंक वाले शेडेड फेस और ये ग्रीन वाले शेडेड फेस। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन पे है, तो मतलब पिंक वाले शेडेड फेस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन हो रहा है और ग्रीन वाले शेडेड फेस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स आउट हो रहा है। तो इसीलिए मैं अब यहाँ पे फ्लक्स इन कहूंगा विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट विथ एरिया वेक्टर इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल। और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक्स के साथ चेंज हो रहा है, ना वाई के साथ चेंज हो रहा है ना जेड के साथ चेंज हो रहा है, तो इसकी वजह से मैं ये कह सकता हूँ कि ये फेस पे हर एक पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये एक्स एक्सिस एक्स इक्वल्स टू टू ए, आप अगर एक्स एक्सिस पे आगे आगे बढ़ते जाओ तब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बदलता हुआ दिखेगा, बट अगर आप वाई एक्सिस पे या जेड एक्सिस पे बढ़ रहे हो तब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बदलता हुआ नहीं दिखेगा। तो एक्स इक्वल्स टू टू ए पे आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है, आपको एक्स इक्वल्स टू थ्री ए पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है। तो इसके वजह से मैं जब फ्लक्स कैलकुलेट कर रहा हूँ तब इलेक्ट्रिक इंटीग्रल बाहर ले जाऊंगा, और जब एरिया वेक्टर को ही सिर्फ इंटीग्रेट करने वाली बात आ जाएगी तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एट x equals to 2a will be the influx, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, तो इसको मैंने बाहर ले लिया है और वहां पे सरफेस एरिया आपको e a square ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। तो आपको यहाँ पे फ्लक्स इन विल बी एप्सिलॉन e नॉट 4 a raised to power 4। सिमिलरली फ्लक्स आउट में निकाल सकते हैं, ये तो नेगेटिव में आएगा ना, तो मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, यस ये नेगेटिव होगा, बट नेगेटिव वैल्यू जब मैं फ्लक्स की मेंशन जब कर रहा हूंगा ना, ये थोड़ा सा रुको, नेगेटिव वैल्यू होगा ठीक है। जब फ्लक्स इन की बात मैं कर रहा हूँ तब मैं ये बोल सकता हूँ आप पॉजिटिव वैल्यू ही ले लो, क्योंकि अगर देखो थर्मोडायनेमिक्स हो चुका आपका है ना, थर्मोडायनेमिक्स में एनर्जी के और वर्क के साथ आप साइन एसोसिएट करते हो, जब वर्क डन ऑन द सिस्टम कहते हो तब पॉजिटिव वर्क लेते हो एंड वर्क डन बाय द सिस्टम कहते हो तब नेगेटिव लेते हो। ये केमिस्ट्री में अलग फिजिक्स में अलग चलता है, बट सिमिलरली एनर्जी अगर सिस्टम में दे रहे हो तो फिर आप पॉजिटिव लेते हो और एनर्जी जब सिस्टम से बाहर खींचते हो तो आप माइनस ले रहे होते हो। तो ये जो एक स्केलर क्वांटिटी में ऐसे साइन देने वाली बात है ना, ऐसे स्केलर क्वांटिटी में साइन देने वाली, यहाँ पे फ्लक्स डॉट प्रोडक्ट है, फ्लक्स यहाँ डॉट प्रोडक्ट है, तो फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है। अब हम यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स में भी एक स्केलर क्वांटिटी को साइन दे रहे होते हैं, तो ऐसा क्यों दे होते हैं? जब एनर्जी आप इन बोल रहे हो तो आपने पॉजिटिव कह दिया है, तो कन्वेंशनली एनर्जी जब आउट हो रहा है तब नेगेटिव हो जाता है, ये कन्वेंशनली ऐसा। लेकिन जब हम एनर्जी इन बोल देते हैं तब हम एक ही मैग्नीट्यूड एनर्जी का लेते हैं, ना कि साइन पॉइंट पे इतना फोकस नहीं करते हैं। बट जब एनर्जी ही सिर्फ लिखा हुआ है तब आपको डिस्टिंग्विश करने के लिए कि वो इन है या आउट है आपको वहां पे साइन बताना पड़ता है। अगर मैं यही कह दे रहा हूँ बाई वर्ड्स लिख दे रहा हूँ एनर्जी इज गिवन टू द सिस्टम दिस मच, दैट मीन्स द एनर्जी इज पॉजिटिव। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ सुधांशु? समझ में आया? Yes, sir. तो यहाँ पे जब मैं कह दिया है कि फ्लक्स इन है तो इसका मतलब ही यही है कि अंदर फ्लक्स जा रहा है। अगर मैं माइनस साइन का वैल्यू लगा रहा हूँ यहाँ पे तब वो भी यही बताता है कि फ्लक्स अंदर जा रहा है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे आप ई नॉट 9 ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई इधर का एरिया ए स्क्वायर। तो अब मुझे नेट फ्लक्स निकालना है। नेट फ्लक्स में कैसे निकालूंगा? अब देखो यहाँ पे अभी अगर यहाँ पे मैं माइनस ले लिया होता ना तो आपको बेसिकली नेट फ्लक्स इज आउट फ्लक्स अगर मैं यहाँ पे माइनस ले लिया होता, तो नेट फ्लक्स प्लस नेट इनफ्लक्स करना पड़ता, क्योंकि मैंने यहाँ पे माइनस नहीं लिया हुआ है तो मैं
फाई नेट कहूंगा नेट आउट फ्लक्स माइनस नेट इनफ्लक्स, मतलब अब बाहर जितना जा रहा है और उससे मैं ये माइनस कर रहा हूँ अंदर जितना फ्लक्स आ रहा है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना बात सुधांशु? यस सर। अब तो ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो जाना इससे, ठीक है? तो फाई आउट यहाँ पे, अब अगर मैं फाई आउट से फाई इन माइनस करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, फाइव ई नॉट ए रेज टू पावर फोर, ठीक है? ये फाई नेट है। अब आपको ये पता है अगर एक क्लोज सरफेस में से, गॉस लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फाई नेट थ्रू अ क्लोज सरफेस इज चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। सो फाई नेट आपको यहाँ पे आ रहा है फाइव ई नॉट ए रेज टू पावर फोर, सो द चार्ज इनक्लोज्ड यू विल गेट एज फाइव ई नॉट एप्सिलॉन नॉट ए रेज टू पावर फोर। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि उस रीजन पे कितना चार्ज स्टोर है, ठीक है? उस क्यूब में इतना चार्ज स्टोर होगा। क्लियर है बात? आसान है ना, कर लोगे ना? यस सर। एक और एक वैरायटी है, देखो यहाँ पे एक्स और वाई के साथ चेंज हो रहा है तो आपने ऐसा करा हुआ है, ठीक है? कभी कभी क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा घुमाने के लिए ऐसा दे देगा, आपको कहेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रेडियली चेंज हो रहा है, आर कैप, मतलब एक सरफेस इमेजिन करो, एक स्फीयर इमेजिन करो और उसकी रेडियस वेक्टर के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से चेंज हो रहा है, कह रहा है। आर कैप का मतलब है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में उस रेडियस वेक्टर के अलोंग इस तरीके से चेंज हो रहा है, कहेगा वो। तब ये बताना होगा कि अगर मेरा जो स्फीयर है कैपिटल आर का रेडियस है, इस स्फीयर में कितना चार्ज इनक्लोज्ड है, यहाँ पे आपको चार्ज इनक्लोज्ड बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी सिमिलर तरीका है, मेरे को बस यहाँ पे थोड़ा सा इंटीग्रेशन करना होगा, तो समझो इस बात को। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक एलिमेंटल ऐसा शेल अज्यूम करूंगा, शेल क्या हॉलो शेल ऐसा अज्यूम करूंगा एट अ डिस्टेंस ऑफ आर ऑफ थिकनेस डी आर, ऑफ थिकनेस डी आर, ठीक है? ये क्या है, ये शेल एक अज्यूम कर रहा हूँ यहाँ पे। तो इस शेल में फ्लक्स इन कितना होगा, दैट विल बी सी आर स्क्वायर सरफेस इंटीग्रल 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है? अभी ये शेल में फ्लक्स इन इनसाइड पे इतना फ्लक्स इन हो रहा है, मतलब इसके सरफेस पे, ये जो अंदर वाला है, और जो फ्लक्स आउट है वो क्या हो जाएगा, आप ये बाहर वाला ले रहे हैं, बाहर वाला ये जो एलिमेंटल शेल लिया हुआ है इसके बाहर वाले सरफेस पे मैं कह रहा हूँ, तो वो सरफेस कितने दूरी पर है, वो सरफेस r प्लस डी आर दूरी पर है सेंटर से, तो इसीलिए r प्लस डी आर ले रहे हैं, एंड वो उसका रेडियस कितना हो जाएगा r प्लस, उसका सरफेस एरिया हो जाएगा r प्लस डी आर का स्क्वायर। तो इसको मैं बस सिंप्लीफाई करने के लिए c टाइम्स ऑफ 4 पाई r प्लस डी आर का रेज टू पावर 4। अच्छा, रेज टू पावर 4 आपको बताना मुश्किल हो जाएगा, तो आप ये इमेजिन कर सकते हो, देखो अब मैं r प्लस डी आर, ये वाला इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस b का होल स्क्वायर, तो r प्लस डी आर का होल स्क्वायर प्लस 2r डी आर अगर मैं करूँ, तो क्लियर है? कोई दिक्कत है इसमें, इसको अगर मैं ऐसा लिखूं तो हाँ या ना बोलो? नो सर। ठीक है, तो देखो क्योंकि dr is very small, तो मैं dr square तो और भी छोटा होगा, तो इस वजह से मैं dr square को इग्नोर कर रहा हूँ। सिमिलरली इस एक्सप्रेशन पे, ठीक है, इस एक्सप्रेशन पे मैं सिमिलर चीजें करूंगा, तो मैं क्या, इसका स्क्वायर हो जा रहा है, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो इसका स्क्वायर जब हो जाएगा तो देखो r raised to power 4 plus 2r dr का स्क्वायर प्लस 4r क्यूब dr हो जाएगा। तो अगेन मैं ये चीज कह सकता हूँ कि ये जीरो है, ठीक है? तो आपको नेट वैल्यू ये मिलेगा। कोई दिक्कत ये समझने में?
थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, ये सिर्फ मैं क्वेश्चंस प्रीएम्प्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपको थोड़ा सा घुमा के अगर कहीं पे दे दिया क्वेश्चन तो आप सॉल्व करने के कैपेबल रहो। तो अब आपको, हाँ, 4π भी आएगा। तो अब आपको जो आउटफ्लक्स है वो इतना आएगा, ठीक है, आउटफ्लक्स है वो इतना आएगा, इनफ्लक्स है इतना आ रहा है। तो नेट फ्लक्स क्या जा रहा है इसमें से, नेट फ्लक्स विल बी phi आउट, कितना बाहर जा रहा है माइनस कितना इन आ रहा है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 4πc r raised to power 4, r raised to power 4 कैंसिल हो जाएगा और आपको यहाँ पे 4r क्यूब dr आएगा, ठीक है। तो ये आपको 16πc r क्यूब dr आ रहा है। तो ये आपने phi net किसके लिए कैलकुलेट किया हुआ है, ये कैलकुलेट किया हुआ है हमने शेल में से कितना जा रहा है, ठीक है, इस शेल में से कितना जा रहा है। तो बस इसको मैं अगर इंटीग्रेट कर दूं जीरो से लेके कैपिटल आर तक तो मुझे टोटल ये सरफेस में कितना चार्ज इंक्लोज्ड है वो पता चल जाएगा। देखो कैसे, दिस विल बी 16 टाइम्स ऑफ सी आर रेज़ टू पावर 4, मतलब ये कैपिटल आर जब लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो ये हो जाएगा 4πc कैपिटल आर रेज़ टू पावर 4। दिस इज योर phi net एंड गॉस लॉ टेल्स यू दैट दिस phi net विल बी इक्वल टू चार्ज इंक्लोज्ड, चार्ज इंक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, चार्ज इंक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो आप ये कह सकते हो कि चार्ज इंक्लोज्ड विल बी इक्वल टू 4 एप्सिलॉन नॉट r रेज़ टू पावर 4, ठीक है। अगर आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी पूछा हुआ है तो भी आप देखो कैसे कर सकते हो, सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर पूछा हुआ है तो आप कैसे कर सकते हो कि ये तो क्लियर है ना, चार्ज मैंने कैसे निकाला हुआ है, आया ना, बोलो। यस सर, ठीक है। अब फिर से सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए देखो, मैं ये इक्वेशन को यूज कर रहा हूँ तो मुझे मुझे ये पता है कि जो उस शेल में से निकल रहा है वो इतना निकल रहा है, कितना 16πcr³dr उस शेल में से निकल रहा है। तो अगर मैं उस शेल के अंदर कितना सरफेस चार्ज, उसमें कितना वॉल्यूम चार्ज है वो अगर रो अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो मैं कहूंगा कि 4πx² अमाउंट ऑफ 4πr² अमाउंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है, इतने में 4/3πr³ हो जाएगा, 4/3πr³4πr² dr हो जाएगा। ये क्या बता रहा है आपको, ये बता रहा है सर ये चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है तो फिर 4πr² क्यों हो रहा है, देख रहा हूँ देख रहा हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। तो इस इंटीग्रल को अभी रहने देते हैं। अब यहाँ देखो, अब यहाँ पे आपको ये जो वैल्यू 4r कहाँ से, ये भी हटा। तो देखो अब ये जो phi मुझे मिला हुआ है ये किस में से जा रहा है, वो जो शेल था वो शेल में से जा रहा है, isn't it? वो शेल में से जा रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर रो पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इस शेल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इस शेल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4πc 4r³ dr इज द नेट फ्लक्स थ्रू द शेल, नेट फ्लक्स थ्रू द शेल, ठीक है। एंड अगर रो इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर दिस वॉल्यूम वाले वॉल्यूम पे तो इस शेल पे जो मेरा एलिमेंटल शेल है उस पे कितना वॉल्यूम होगा, दैट विल बी इक्वल टू 1/ε₀, यहां पे रो जो चार्ज है दैट विल बी 4πx² r² dr, ठीक है। ये इतना इसका वॉल्यूम मैं कह रहा हूं, ये शेल का वॉल्यूम है या नहीं है, ये शेल का वॉल्यूम 4π एलिमेंटल शेल का वॉल्यूम पढ़ा होगा ना, यस सर, ठीक है। तो ये एलिमेंटल शेल का वॉल्यूम है, तो यहाँ पे गौर करो आपको 4π और r² यहाँ से कैंसिल हो गया, और ये पूरा का पूरा टर्म कैंसिल, ये dr भी कैंसिल,
तो आपको यहाँ से मिलेगा रो विल बी इक्वल टू 4 एप्सिलॉन नॉट सी आर. तो आपका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो विद रेस्पेक्ट टू आर इस तरीके से बदल रहा है, कह रहा है ये एक्सप्रेशन. ठीक है, ये सरफेस चार्ज, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, तो आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द वॉल्यूम ऑफ दिस जो मैंने सेटअप लिया था उस पे आर के रेस्पेक्ट पे चेंज हो रहा है, कह रहा है. ठीक है, एंड आपको पूरा का पूरा क्यू की वैल्यू भी मैंने बता दी थी, वो आप वापस से जब आप सॉल्व करोगे तो वापस से वो भी निकाल सकते हो. क्या, इसको इंटीग्रेट करके कैपिटल जीरो से कैपिटल आर तक, एंड ये कंप्लीट फैक्टर को आप एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्यू की वैल्यू मिल जाएगी. ठीक है, क्लियर है ना सर? ये जो क्यू आया था, आगे बढ़े सर, ये जो क्यू आया था इसको हम लोग वॉल्यूम से पूरा स्फीयर का डिवाइड कर देते तो नहीं आ जाता? ये देखो आपने रो को जो क्यू है वो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, आपको सेम वैल्यू आना चाहिए. आपको जो यहाँ से निकालोगे और यहाँ से निकालोगे आपको सेम वैल्यू देगा. ठीक है, समझ में आ रहा है मैंने क्या किया यहाँ पे? मतलब यस सर. ठीक है ना, आगे बढ़े, कोई इलैबोरेशन की जरूरत है क्या यहाँ पे? सेम ही वैल्यू आएगा ना? सेम वैल्यू आएगा, आप चेक करके बताना, नहीं आया तो नेक्स्ट क्लास में मैं फिर से करूंगा. ठीक है, चेक करके बताना. ठीक है सर. ठीक है, ऑलराइट, ये हो गया. अब आपके लिए कुछ मैं काम देता हूँ, आपके लिए बहुत सरल क्वेश्चन. अब मानो कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ये कह रहा हूँ, पहले वाले में तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, x में ही वेरी कर रहा था और x की डायरेक्शन पे था. अब मैं कह रहा हूँ x की डायरेक्शन थोड़ा सा z के साथ वेरी कर रहा है, z के साथ वेरी कर रहा है, z बाई a ही ले लो, ये नॉट क्या, z के साथ वेरी कर रहा है, बट ये डायरेक्शन कुछ ऐसा है. ठीक है, z के साथ वेरी कर रहा है बट ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा है. आपको आपको फ्लक्स थ्रू अ क्यूब निकालना है जो कि एक कॉर्नर उसके ओरिजिन पे है. ठीक है, क्यूब का साइड ए है और ये ओरिजिन है एक्स वाई जेड. कोशिश करो, चलो इस वॉल्यूम में मुझे चार्ज इंक्लोज बताना. हिंट दे रहा हूं मैं, इस पे आपको ना कोई इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है, कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा. अगर ये हो जाए, एक होमवर्क दे देता हूं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपको ये जो यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये एक वॉल्यूम डिस्क्राइब कर रहा है, इस वॉल्यूम में से कितना चार्ज एनक्लोज्ड है आपको बताना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ये है.
देखो यहाँ पे हुआ कुछ, क्या रहा, कुछ आया वैल्यू चार्जिंग क्लोज का? जीरो आएगा। देखो यहाँ पे, मानो कि मैं यहाँ पे एक एलिमेंटल एरिया ले रहा हूँ, ये एलिमेंटल एरिया मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है। अब इस एलिमेंटल एरिया को मैंने कैसे, मैंने इस एक्स वाई प्लेन से मैंने जेड हाइट पे लिया हुआ है, और कितने कितना विड्थ का लिया हुआ है, इसका विड्थ जो है वो डी जेड है, इसका विड्थ जो है वो डी जेड है। तो मुझे इस, ये जो एलिमेंटल वॉल्यूम है इसका सामने वाले फेस का एरिया वेक्टर आपको बाहर आता हुआ दिखेगा इस तरीके से, और पीछे वाले का एरिया वेक्टर आपको ऐसे पीछे की तरफ बाहर आता हुआ दिखेगा। तो मुझे ये बताओ, इन दोनों एरिया वेक्टर पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ मिलेगा? क्वेश्चन नहीं समझे, चलो छोड़। अभी ये जो इसके सामने लेफ्ट वाला फेस, राइट वाला फेस है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वुड बी अलोंग एक्स एक्सिस, एंड इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट साइड का इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी नेगेटिव वाई एक्सिस। सिमिलरली ऊपर वाले फेस का इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर वुड बी अपवर्ड जेड एक्सिस, एंड नीचे वाले का डाउनवर्ड जेड एक्सिस, ठीक है। मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के पास दो दो डायरेक्शन पे है, एक एक्स डायरेक्शन पे और एक जेड डायरेक्शन पे, ठीक है। तो मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड इन्हीं दो डायरेक्शंस में होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड या तो एक्स डायरेक्शन पे है या तो वाई डायरेक्शन पे है। तो मैं क्या कर रहा हूँ अभी, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को प्लॉट कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इट इज अलोंग द एक्स डायरेक्शन और इट इज अलोंग द वाई डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ पे ये ईएक्स है, यहाँ पे ये ईवाई है। तो मुझे ये बताओ, ये ईएक्स की अगर बात करूं मैं, तो ईएक्स की वजह से फ्लक्स, ईएक्स की वजह से फ्लक्स ड्यू टू फ्लक्स इन दिस एरिया विल बी व्हाट, ये ऊपर वाला जेड एक्सिस के तरफ वाला एरिया पे फ्लक्स कितना, जीरो। सिमिलरली दिस एरिया के लिए जीरो, नीचे वाला जीरो, ठीक है। ये लेफ्ट वाला जो वाई एक्सिस के तरफ आ रहा है, यहाँ पे भी जीरो, ठीक है। एंड अब ये भी सुनो, क्योंकि ईएक्स आपको सिर्फ जेड के साथ बदल रहा है, एक्स के साथ नहीं बदल रहा है, आपको सिर्फ जेड के साथ बदल रहा है। तो जितना वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस फेस के निकल रहा होगा, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऑपोजिट वाले फेस के साथ निकल रहा होगा। कोई आर्गुमेंट, दिक्कत है इस आर्गुमेंट से? क्योंकि क्योंकि एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बदल नहीं रहा, एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म। जैसे जैसे आप जेड की वैल्यू बदलते जाओगे, जैसे जैसे ऊपर जाते रहोगे आप, वैसे वैसे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बदलता दिखेगा। बट फॉर अ पर्टिकुलर जेड, फॉर अ पर्टिकुलर जेड, जैसे कि मैंने ये प्लेट ले लिया हुआ है, जैसा ये पिंक वाला शेडेड रीजन है, उसके लिए जितना इलेक्ट्रिक फील्ड राइट वाले फेस में से बाहर आ रहा होगा, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट वाले फेस में अंदर घुस रहा होगा। कोई दिक्कत है सुधांशु, बताओ? नो सर। ठीक है, तो इसके वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है दोनों, जहां पे इन हो रहा है और जहां पे आउट हो रहा है, तो इसके वजह से फाई इन विल बी इक्वल टू फाई आउट, सो नेट फाई इज जीरो, सो चार्ज एनक्लोज्ड इज जीरो, ठीक है, चार्ज एनक्लोज्ड इज जीरो। अब देखो बाकी सारे सरफेसेस की वजह से, ईएक्स की वजह से तो जीरो हो गया,
अब सिमिलरली ईवाई की वजह से इन्वेस्टिगेट करके देखो, ईवाई की वजह से एक्सेप्ट एक्सेप्ट दिस एरिया वेक्टर एंड दिस एरिया वेक्टर, ऑल ऑफ द अदर एरिया वेक्टर्स दिस 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 एंड दिस विल गिव मी जीरो फ्लक्स, एंड फॉर दीज टू एरिया वेक्टर्स जितना इन हो रहा है उतना ही आउट हो रहा है, बिकॉज फॉर अ पर्टिकुलर जेड वैल्यू द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉन्स्टेंट. एज आई चेंज माई जेड वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंक्रीजिंग इन द वाई डायरेक्शन, बट फॉर अ पर्टिकुलर जेड वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉन्स्टेंट. सो जितना फ्लक्स इन हो रहा है उतना ही फ्लक्स आउट हो रहा है, तो इसके वजह से y डायरेक्शन पे भी phi net जीरो है. So, इसकी वजह से q net भी जीरो है. तो net enclosed charge is zero. समझ में आया? समझ में आया कैसे आर्गुमेंट है? Yes, sir. ठीक है, खुद एक बार इमेजिन कर लेना इसको घर पे आराम से बैठ के. तो यहाँ पे आपको ये होमवर्क है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया हुआ है, इस तरीके से वॉल्यूम का डिस्क्रिप्शन किया हुआ है. तो मुझे वॉल्यूम एक बार यहाँ पे बना के बता दो कैसा बनेगा वॉल्यूम. ये x है, ये y है, ये z है. तो x 0 से l तक वेरी कर रहा है, x 0 से l तक वेरी कर रहा है, y 0 से l तक वेरी कर रहा है, z 0 से l तक वेरी कर रहा है. तो ये क्यूब फॉर्म करेगा, तो ये क्यूब फॉर्म करेगा जिसका साइड लेंथ l है. ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन पे जा रहा है, तो आपको इधर पे भी चार्ज एनक्लोज बताना है. ये एग्जांपल खुद कर लेना. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंडक्टर. कंडक्टर बताओ, कंडक्टर किसको कहते हो? मेटल को कहते हो या इंसुलेटर्स को कहते हो? मेटल्स को. मेटल्स को कहते हो. मेटल्स को कंडक्टर किस लिए कहते हैं? क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं. फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं. ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, है ना? ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी है. तो क्या होता है, मानो कि एक सॉलिड कंडक्टर है, सॉलिड कंडक्टर है. ठीक है, अब ये सॉलिड कंडक्टर पे मैं पहले से ही इसमें कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल पहले से इसमें कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो क्योंकि ये कंडक्टर बाय इटसेल्फ इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो इस पे तो कोई चार्ज हो, मतलब कोई एक्सेस, मतलब यहाँ पे चार्ज है नहीं. मतलब जितने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही पॉजिटिव आयंस भी होंगे अंदर. ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है. बट अगर आप यहाँ पे मानो कि एक्सेस चार्ज देते हो, क्या देते हो? एक्सेस चार्ज देते हो, एक्सेस चार्ज. तो ये एक्सेस चार्ज, सवाल है कि कहाँ पे रिसाइड करेगा. आपने इसे एक्सेस चार्ज देते जा रहे हो, तो प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर इज द एक्सेस चार्ज रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर. Resides on the surface of conductor. ऐसा क्यों है? हम अभी देख लेते हैं. Point number one. आपको ये पता है for a conductor, अभी हम लोगों ने Gauss law से देखा हुआ है. अगर मैं conductor के अंदर आपको Gaussian surface बनाऊं, तो मुझे वहां पे electric field zero मिलनी चाहिए. But अगर जितना मैंने excess charge दे दिया, जितना मैंने excess charge दे दिया वो अगर इसके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, दैट मींस इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज प्रेजेंट होगा. सो अगर गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज प्रेजेंट हो गया, दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दैट गॉसियन सरफेस विल नो मोर बी जीरो. इसी वजह से आपका गॉस लॉ, जो एक्सप्रेशन पहले कंडक्टिंग स्फीयर के टर्म्स में बता रहे थे, वो अनट्रू हो जाएगा. और एक तरीका इसको समझने का कि मानो कि अगर स्फीयर में आपने एक्सेस चार्ज, कंडक्टिंग सरफेस में आपने एक्सेस चार्ज दे दिया, तो
अब जो इसमें चार्ज है उनके बीच में म्यूचुअल रिपल्शन शुरू हो जाएगा. क्या शुरू हो जाएगा? म्यूचुअल रिपल्शन. तो ये एक दूसरे को रिपल करने लगेंगे. और सबसे ज्यादा कहां पे रिपल करके ये लोग क्या करेंगे, ये इसको एक दूसरे के सरफेस पे भेज देंगे. तो जितना भी चार्ज आप इस पे एक्स्ट्रा प्रोवाइड करते जाओ इस पे, वो सभी कुछ इसके वॉल्यूम पे नहीं आएगा, ये सभी कुछ इसके सरफेस पे रिसाइड करने लगेगा. क्योंकि जैसे ही ये चार्ज इसके वॉल्यूम पे आएगा, बाकी सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करवा देगा इसके सरफेस पे, ताकि एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर वुड ऑलवेज बी जीरो, ये एक दूसरा प्रॉपर्टी है. इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो. तो इसकी वजह से चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर. अब सवाल है कि चार्ज रिसाइड तो कर रहा है सरफेस ऑफ द कंडक्टर पे. मान लो मेरा सरफेस ऑफ द कंडक्टर नॉन यूनिफॉर्म, ऐसा कुछ है, तो सवाल बनता है कि कहां पे ये चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इसके सरफेस पे, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. तो वो कहा जाता है द सरफेस चार्ज एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी ओवर द कंडक्टर सरफेस चार्ज डेंसिटी अर्थात सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू 1/ रेडियस स्क्वायर. तो जितना ज्यादा रेडियस होगा उतना कम चार्ज होगा वहां पे. जितना कम रेडियस का होगा उतना ज्यादा चार्ज होगा वहां पे. ये देखो, तो यहाँ पे मुझे ये बताओ, यहाँ पे एक सरफेस आपको दिख रहा है, यहाँ पे दूसरा सरफेस दिख रहा है. तो बताओ रेडियस सरफेस वन का ज्यादा है या सरफेस टू का ज्यादा है? आवाज नहीं आ रहा है. हेलो सर, कट कट के आ रहा है, आवाज क्लियर नहीं है. अच्छा, यहाँ पे ये रेडियस कम है कंपेयर टू, तो जो सरफेस चार्ज को करीब पेश होगा या फिर थोड़ा डिस्टेंटली पेश होगा. चंदन डिस्कनेक्ट करेगा क्या? हां सुधांशु, रुक जा रुक जा, जरा डिस्कनेक्ट कर देते, टाइम भी हो गया लगभग. रुक जा, 5 मिनट रुक जा. सर को बोल दूंगा, सर हो गया आज के लिए. ये वाला एक्सप्लेन कर रहे थे ना, बीच में छोड़ देंगे. हेलो, आ रहा आवाज चंदन? ठीक है ठीक. तो मैं ये पूछ रहा था, स्क्रीन दिख रहा है ना? यस सर. हाँ, तो मैं ये पूछ रहा था कि यहाँ पे जो देखो, जब यहाँ पे सरफेस एरिया ऐसा है, तो फिर जहाँ पे रेडियस बहुत कम है वहां पे ज्यादा चार्ज एक्यूमुलेट होने होगा,
जहाँ पे सरफेस रेडियस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत ज्यादा है वहाँ पे ऐसे स्पार्सली पॉपुलेटेड होगा। जैसे ही सरफेस एरिया छोटा हो रहा है तो वहाँ पे आपको चार्ज ज्यादा ज्यादा बढ़ते जाएगा, फिर यहाँ पे चार्ज ज्यादा ज्यादा बढ़ते जाएगा, फिर यहाँ पे थोड़ा सा स्पार्सली पॉपुलेटेड होगा, यहाँ पे फिर स्पार्सली पॉपुलेटेड। तो जहाँ पे सरफेस रेडियस ऑफ कर्वेचर कम हो रहा है वहां पे आपको ज्यादा चार्जेस मिल रहे हैं, एंड जहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है वहां पे कम चार्ज मिलेगा। तो इसका एक एप्लीकेशन भी है। ये एप्लीकेशन ये कहता है कि आप लोग जो अर्थिंग के लिए टावर्स होते हैं, अर्थिंग टावर्स, तो अर्थिंग टावर क्या होता है कि आप अपने घर पे एक अर्थिंग टावर लगाते हो, ठीक है, अर्थिंग टावर लगाते हो ताकि अगर कोई लाइटनिंग आ रही है, अगर कोई ऐसे बिजली कड़क के आपको लाइटनिंग आ रही है यहाँ पे, तो ये लाइटनिंग को घर पे ना गिरते हुए, आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को डिस्ट्रॉय ना करते हुए ये चार्ज, क्योंकि होता ये है कि ग्राउंड से थोड़ा बेटर डायग्राम बनाते हैं। अच्छा दो चीज एग्जांपल आप ये समझो, एक तो आप ये समझो त्रिशूल, देखा हुआ त्रिशूल, त्रिशूल कैसा होता है, बीच में नोकीला ऊपर तक गिरा, हाँ तो चाहे जहां पे भी है नोकीला पॉइंट है ना, तो नोकीला इसलिए होता है। अब देखो इंद्र भगवान का वज्र देखा हुआ है, वज्र कैसा होता है, ऐसा कि मतलब स्पाइकी सा होता है ना, ऐसे स्पाइकी सा होता है, कभी देखना एपिसोड में दिखाते हैं टीवी, अभी रामायण देख लोगे तो पता चल, है ना, तो ऐसा वज्र जो होता है वैसा, इसीलिए स्पाइकी क्यों होता है, देखो क्यों होता है ऐसा, कि आइडिया इसके बीच में भी साइंस है। और अर्थिंग टावर पे भी जब घर का झोपड़ी के ऊपर जब अर्थिंग टावर हम लगाते हैं तो ये भी ऐसा स्पाइकी होता है। ये स्पाइकी इसलिए होता है कि आप रेडियस ऑफ करें, जितना स्पाइकी होगा उतना आर कम होगा, जितना आर कम होगा उस पर उतना सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा, और जितना सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा उतना वो लाइटनिंग को अट्रैक्ट करेगा, उतना वो लाइटनिंग को अट्रैक्ट करेगा, और लाइटनिंग को वो ज्यादा बेटर अट्रैक्ट करेगा। मान लो कि अब अगर इधर पे लाइटनिंग बिजली गिर रही तो आपको घर पे बिजली ना गिरते हुए ये लाइटनिंग रॉड पे बिजली गिरेगी और फिर वो अर्थ पे समा जाएगा, आपको घर बच जाएगा। और भगवानों के पास इस तरह स्पाइकी वाला क्यों होता है, क्योंकि वो भी मतलब अगर जब चाहे एकदम दिव्य शक्ति से लाइट को ग्राब करके एकदम मतलब किसी को अगर जलाना होगा भस्म करना होगा तो वो कर सकते हैं, इसलिए होता है, ठीक है। इसका भी एप्लीकेशन है, साइंस है इसके पीछे। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला समझो, ये जो चार्ज रिसाइड्स ऑन दी सरफेस और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर का भी एक एप्लीकेशन है। इसका क्या एप्लीकेशन है, देखो मानो कि अगर आप अगर एक गाड़ी के अंदर हो, आप अगर एक मानो कि एक गाड़ी के अंदर इस तरीके से एक कार के अंदर बंद हो, ठीक है, और या तो फिर मानो कि आप ऐसे एक एरोप्लेन में बंद हो, तो होता क्या है कि अगर ये कार पे अगर बिजली गिरी या फिर अगर ये एरोप्लेन पे बिजली गिरी तो अंदर जो पैसेंजर बैठे हुए होते हैं यहाँ पे, ये अंदर पैसेंजर बैठे जो होते हैं उनको कोई नुकसान नहीं होता है। इसको कहते हैं फैराडेज केज, ये फैराडेज केज इफेक्ट है। ऐसा क्यों होता है कि आप अगर मानो कि बाहर एकदम मूसलाधार बारिश पड़ रही है, थंडर स्टॉर्म्स हो रहे हैं, बादल गरज रहे हैं, तो इसीलिए हमेशा एडवाइजेबल होता है कि आप अपने गाड़ी के अंदर ही बैठे रहें, या तो फिर आप प्लेन में हैं तो प्लेन में भी अगर लाइटनिंग स्ट्राइक होती है तो वो कुछ नहीं हो पाता, उसको अंदर वाले लोग बच जाते हैं। ये इसलिए होता है कि जो भी ये लाइटनिंग से जो भी चार्ज आ रहा होता है वो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है यहाँ पे। सिमिलरली ये क्योंकि मेटल का बना हुआ था ना, कार एक मेटल का बना हुआ है, ये कंडक्टर है, प्लेन भी एक मेटल का बना हुआ है, मेटल भी कंडक्टर है, यहाँ पे प्लेन भी एक कंडक्टर है, तो इनके जो है अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो आप जितना भी लाइटनिंग के थ्रू अगर आप इसे चार्ज दे रहे होते हो
वो सरफेस केस पे रिसाइड कर जाता है, आपको अंदर चार्ज नहीं आता है क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रखना होता है, ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। इसके कारण आप अंदर अगर गाड़ी के अंदर बैठे हो या एरोप्लेन के अंदर बैठे हो, लाइटनिंग गिरने के बावजूद आप बच जाते हो, समझ रहे हो इस बात को? तो ये काफी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ, समझ गया ना, कोई डाउट है इसमें? नहीं सर। ठीक है, ये अर्थिंग टावर का भी हो गया। अब थोड़े एक दो पॉइंट ये समझो, मानो कि अगर एक कंडक्टर है ऐसा, और इस कंडक्टर के अंदर एक कैविटी है, क्या है ये कैविटी है, ये कंडक्टर है, पहले अच्छा कैविटी छोड़ो, पहले तो ये देखो कि मानो कि ये एक कंडक्टर है इस तरीके से, और मैंने यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड चलाया हुआ है, ये कंडक्टर है, तो ये कंडक्टर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या करेगा कि ये कंडक्टर क्या करेगा, जहां जहां पे, क्योंकि इसको अंदर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करना है, अगर ये अंदर पे अगर ये कुछ ना करे, मतलब वैसा ही रह जाए, तो क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें से ऐसे पार होता जाएगा, तो कंडक्टर के अंदर भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल मिलेगा, बट कंडक्टर कभी ऐसा नहीं चाहता कि अंदर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिले, तो कंडक्टर क्या करेगा, अपने ऊपर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करवा लेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करवा लेगा, तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है ना, वो ऐसे इसके तरफ बेंड हो जाएंगे, वो ऐसे कन्वर्ज हो जाएंगे, और जहां से पॉजिटिव चार्ज है वहां से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है, एंड ये जो चार्जेस है वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा ताकि अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको जीरो मिले कंडक्टर की, और ये जो इंड्यूस्ड चार्जेस है, व्हाट आर दीज आर इंड्यूस्ड चार्जेस, ये जो इंड्यूस्ड चार्जेस है, ये इंड्यूस्ड चार्जेस डिटरमाइन करना हम लोग आगे देखेंगे कैसे, कितनी वैल्यू होती है ये इंड्यूस्ड चार्जेस की, और अगेन मैं कह रहा हूं ये इंड्यूस्ड चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी, ये इंड्यूस्ड चार्जेस जहां पे आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है वहां पे आपको कम सरफेस चार्ज डेंसिटी देखने को मिलेगा, और जहां पे आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है वहां पे आपको ज्यादा सरफेस चार्ज डेंसिटी देखने को मिलेगा, ये भी ये इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी के इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा। और एक कंडीशन क्या है सरफेस इंड्यूस्ड चार्ज का, कि इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा कि आपका कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ठीक है, ये हो गया हम जब कंडक्टर को एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं। अब आओ कि कंडक्टर के इनसाइड एक कैविटी है, कंडक्टर के इनसाइड एक कैविटी है, अब ये कैविटी है, ये कैविटी है, ये कंडक्टर है। अब यहाँ पे समझो, थोड़ा सा ध्यान रखो क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मानो कि यहाँ पे कैविटी के अंदर मैंने चार्ज रख दिया, तब होगा क्या कि ये चार्ज अपना इलेक्ट्रिक फील्ड स्फेरिकली ऐसे रेडिएट कर रहा होगा, ठीक है, तो अब भी ये सिचुएशन शुरू हो जा रहा है, अब भी ये सिचुएशन हो जाएगा कि इस कैविटी के अंदर चार्ज होने के वजह से कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है, देखो, ठीक है, चार्ज के प्रेजेंस के वजह से कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है, तो कंडक्टर अगेन ये नहीं चाहेगा कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हो, कंडक्टर की प्रॉपर्टी है कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो है, तो कंडक्टर क्या करेगा, कंडक्टर फिर से अपने में एक इंड्यूस चार्ज लेकर आ जाएगा, तो यहाँ पे चार्ज क्यू है, तो वो एक माइनस क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज अपने सरफेस पे इंड्यूस करवा लेगा, तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इमर्ज होंगे क्यू से और कन्वर्ज हो जाएंगे उस कंडक्टर के सरफेस पे, क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक माइनस चार्ज ऐसे ऐसे इंड्यूस हो जाएगा, तो अभी कहाँ पे गौर करने वाली बात यहाँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनो, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीज है,
गौर करने वाली बात यह है कि कैविटी के अंदर वाले सरफेस पे नेगेटिव चार्ज इन्फ्लुए, मतलब अगर आपने पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे लाके रखा हुआ है, ये अगर पॉजिटिव चार्ज है, ये अगर पॉजिटिव चार्ज है तो कैविटी के अंदर वाले सरफेस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। कितना अमाउंट क्या होगा वो चार्ज का, एकदम बराबर जो पॉजिटिव चार्ज आपने यहाँ पे, मानो कि आपने यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज लाके रखा हुआ है, तो कैविटी के अंदर वाले सरफेस पे माइनस क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज आ जाएगा। ठीक है ये बात। तो अब कंडक्टर पे आप देखो, कंडक्टर के अंदर वाले सरफेस पे और कैविटी के बाहर वाले सरफेस पे, कंडक्टर के अंदर वाले सरफेस और कैविटी के बाहर वाले सरफेस पे अब माइनस क्यू चार्ज है, बट कंडक्टर न्यूट्रल है, बट कंडक्टर न्यूट्रल होता है, कंडक्टर पे तो पहले से कोई चार्ज नहीं था, तो कंडक्टर क्योंकि न्यूट्रल था तो कंडक्टर अपने सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज क्यू ले आएगा। तो अब क्यू नेट ऑन द कंडक्टर इज जीरो, क्यू नेट ऑन कंडक्टर इज जीरो, एंड जो पॉजिटिव चार्ज इसके सरफेस पे आ गया है, अब पॉजिटिव क्यू, ध्यान से समझो इस बात को, पॉजिटिव चार्ज अब जो इस सरफेस पे आ गया है वो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड अब ऐसे रेडिएट करेगा, नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस, समझे। तो अंदर आपको प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडिएट होता हुआ निकल रहा है और कैविटी के अंदर वाले सरफेस पे प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड कन्वर्ज हो जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, कैविटी के अंदर वाले सरफेस पे कन्वर्ज हो जा रहा है, और कंडक्टर के अंदर हमेशा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड आपको जीरो मिलेगा, और कैविटी के बाहर और कंडक्टर के आउटर सरफेस पे आपको फिर से और चार्ज आ जाएगा। ये सब इसलिए हो रहा है, इससे क्यों हो रहा है कि इसका, इन सब का रीजन है, ये सब ड्यू टू गॉस लॉ, ये सब आप गॉस लॉ से आप प्रूव कर सकते हो, मतलब ड्यू टू गॉस लॉ नहीं, दिस ऑल कैन बी प्रूव्ड बाय गॉस लॉ। Can be proved by Gauss law. कैसे? कैसे? आपको अभी in this case मानो कि मैंने अपना Gaussian surface कुछ ऐसा माना हुआ है. Gaussian surface कुछ ऐसा माना हुआ है. Now electric field through this Gaussian surface must be zero because this Gaussian surface is passing through a conductor. Electric field through this Gaussian surface must be zero because this Gaussian surface is passing through a conductor. But this has to be zero, but Gauss law tells me that the electric flux is q enclosed by epsilon naught, q enclosed by epsilon naught. अगर मैं ये Gaussian surface को देखूं तो वो एक plus q charge enclose कर रहा हुआ है यहाँ पे, वो एक plus q charge enclose कर रहा है, तो अगर electric flux को मेरे को zero करना है तो मेरे को एक minus q charge की भी जरूरत पड़ेगी इसी गॉसियन सरफेस के अंदर, बट वो माइनस क्यू चार्ज कहीं कंडक्टर के वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हो जाएगा, वो कहाँ पे, वो कैविटी के इनर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और वो उसकी मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी, वो मैग्नीट्यूड एकदम, मतलब अगर क्यू आपने अंदर रखा हुआ है तो अगर मैं क्यू इंड्यूस्ड कहूँ जो कैविटी के अंदर वाले सरफेस पे आया हुआ है, दैट विल बी, अगर मैं ये दोनों का नेट कर रहा हूं, ठीक है, क्यू इन दिस शुड बी इक्वल टू जीरो बिकॉज इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस गॉसियन सरफेस इज जीरो, तो आपको यहाँ पे पता चलेगा क्यू इंड्यूस्ड विल बी इक्वल टू माइनस क्यू। तो जितना आपने चार्ज कैविटी के अंदर पे रखा हुआ है उतना ही चार्ज बट ऑपोजिट साइन का आपको कैविटी के सरफेस पे मिलने लगेगा, क्यों, क्योंकि इंड्यूस करवा देगा, एंड क्यों, क्योंकि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कंडक्टर जीरो रखनी है, एंड ओवरऑल कंडक्टर हमेशा न्यूट्रल रहता है, उसके वजह से आपका कंडक्टर के एक आउटर सरफेस पे भी क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो क्यू इंड्यूस्ड है चाहे वो कैविटी के इनर वाले सरफेस पे ले लो या फिर कंडक्टर के आउटर सरफेस पे ले लो,
ये डिस्ट्रीब्यूशन इसका सिग्मा 1/r² के टर्म्स में ही होगा। टेम्परेचर ज्यादा है वहां पे सरफेस चार्ज ज्यादा हो जाएगा, सॉरी कम हो जाएगा, और अगर जहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है वहां सरफेस चार्ज ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है ये बात? सुधांशु ठीक है, अभी और कुछ कुछ पॉइंट्स बचे हैं, 2-3 पॉइंट्स और बचे हुए हैं, ये सभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आप लोग को मैंने थोड़ा सा एग्जाम्पल क्वेश्चंस दिया हुआ है, और आप लोग आपके पास कोई वर्कबुक है कोई शीट है तो उसमें से सॉल्व करो, और ग्रुप्स में डाउट पोस्ट करो, और कुछ भी दिक्कत हो आप मेरे को कभी तो कॉन्टेक्ट तो कर ही सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास यहाँ पे खत्म करते हैं।